हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजो मायूस ना हो आज के इन हालात से, जो नौजवान मायूस होकर सरासीमगी के शिकार हो जाते हैं, मुझे उनसे शिकायत है आज भी तुम्हारे पास वही जज्बा है हमें पता है। अगरचे बिखरी हुई ये कौम है लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें तुमसे खौफ जदा है, डरती क्यों है? गरीब मुसलमान देहात में रहते हैं, काम काज नहीं है इनके पास, तो जायदादें नहीं इनके पास, नौकरियां नहीं इनके पास, फौज नहीं, लेकिन मीडिया की जीनत तुम ही तो हो। कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान नहीं चलती, हकीकत है या नहीं? क्यों हम ही हम हैं, सारी जगह डिबेट में हम ही हम हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, इकबाल ने कहा कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों राय दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन मेरे अजीजों वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा, क्योंकि कुरान का वादा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बस हमारी तमन्ना ये है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं पीटे जा रहे हैं, ऐ अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, जब निजामे मुस्तफा हो हर जगह, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौरा, वो दौर आएगा। अजीजाने गिरामी वकार, दो चंद बातें मैं अर्ज करता हूं जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं। क्या सहाबा की जाने नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जाने नहीं गई? इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयदुश्शोहदा अमीर हमजा मैदान उहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे। तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अनु की शिकस्त और उनकी हार पर कोई लानत करेगा आज? नऔज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है, हम चींटी से भी मर जाएंगे, और अगर अभी मौत नहीं लिखी है चींटी से भी नहीं मरोगे बल्कि मोदी से भी नहीं मरोगे। अगर मौत नहीं है किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओ। ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। ऐ मुसलमानों अपने ईमान को संभालो मजबूती के साथ, अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। तुम्हारी नमाजें कहाँ हैं? तुम्हारे अमाल कहाँ हैं? तुम्हारे चेहरे भी आज बदल गए, तुम खुद चाहते हो कि इस्लाम परदेश बन करके रहे, इस्लाम को जाहिर करो, तुम्हारे चेहरों से भी तो पता चले कि तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारे घर की बेटियों की सरों पर इस्लाम तो नजर आना चाहिए। इस्लाम का नारा तो बड़े बुलंद आवाज से लगाए ना, इस्लाम था इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में कब रहेगा?
तुम्हारी जिंदगी में कब रहेगा? जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। दुनिया ये देख रही है कि इनको इस्लाम की तरफ से कोई रगबत बाकी नहीं रह गई है। अल्लाह करीम आप सबको इस्लाम का सच्चा सिपाही बना करके रखे। अजीजा निगरा में वक़ात, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जीना है तो इश्क रसूल में जियो, और मौत आए तो मेरे मुस्तफा के कदमों में मौत आए। इस तमन्ना के साथ जियो इंशाअल्लाह अजीज, यहाँ पर कोई बाल बेका ना होगा, और अगर होगा तो हुजूर की मोहब्बत में होगा। मक्का मुकर्रमा में जब बिलाल हबशी को लोग मारते थे, उनके सीने पर पत्थर रखते, उनको अंगारों में सुलाया जाता था, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम? नहीं नहीं नहीं, अब इस्लाम नहीं कहूंगा, तुम्हारे भगवानों का नाम लूंगा। नहीं, उन मुसीबतों में भी वो साबित कदम रहे, और चंद दिनों के बाद जब अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को आजादी अता की, मेरे मुस्तफा के कदमों में गए, 6 साल के बाद मक्का वापस आए। तवज्जो, 6 साल के बाद मक्का जब रसूलुल्लाह के साथ वापस आए, मक्का फतह हो चुका था और रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। दुनिया देख रही थी चंद सालों पहले, यही वो बिलाल है जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डाल करके खींचा जाता था पैरों में, और आज यही बिलाल खाने काबा की छत पर है अजान देने के लिए। कितनी तब्दीली है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को खाने काबा से भी बुलंद कर देता है।